बुल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ना सुने है कोई मेरी ये इल्तिजा, बन गई क्यों है ये जिंदगी एक समाद सिने पंजरी की कैद यव बलबला यव दासी बलबला चिदागे संदरी सहर मा रसवी रणा तरफता अफसानी फरहाद गुरुनु की कम ची द तनहाय द रणा न रोशन वी औ कम जी ची द सरु सरु गार मूवी हाँ जी भाइयों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज का जिरगा आने वाले नए इलेक्शन के मुताबिक किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले 50 सालों से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्त पर खान साहब के ख़ानदान ने जिस शख्स के सर पे हाथ रखा है वही कामयाब हुआ है, और ये चुनाव आप लोगों की मशावरत के बगैर नामुकम्मल है। इसीलिए आज आप सबको दावत दी गई है, नए उम्मीदवार का नाम आपके सामने पेश कर दिया गया है। अब जिस भाई ने भी जो बात करनी हो वो खुल के कर सकता है। खान साहब, अब हमको किसी पे भरोसा नहीं है। इधर सब दावा करता है मगर असेंबली में जाता है तो सब अपने लिए भाग दौड़ करता है। हमारा आपसे एक दरख्वास्त है, इस दफा आप असेंबली की सीट पर किसी के कंधे पे हाथ रखने की बजाय आप खुद ही कमर बांध लो। खान जी, मैं भी रोजी खान की बात की हमायत करता है,
सिर्फ इस इलाके को नहीं बल्कि इस मुल्क को भी आप जैसी शख्सियात की जरूरत है, क्योंकि हम जिन हालात से गुजर रहे हैं उसमें आप जैसे बेदाग ईमानदार नडर इंसान को असेंबली में बैठना चाहिए ताकि इन हालात का मुकाबला हो सके। नाम? निशा ताजवर। यही पूरा नाम है? जी। बाप का नाम? फादर नहीं है मेरे। ओह सॉरी। ऐसी बात नहीं है, ही इज़ अलाइव, सिर्फ मेरी ज़िंदगी में नहीं है। नाम बताइए उनका। यही तो मैं आपको बता रही हूँ, मुझे अपनी वालदा का नाम लिखवाना है। देखिए वो आपका पर्सनल मैटर है, मगर हमें लिखना पड़ेगा वलीयत खाने में। देखिए मैं आपको बता रही हूँ ना, मुझे उनका नाम नहीं चाहिए। आई एम सॉरी, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आपके रिकॉर्ड में आपके बाप का नाम लिखा जाएगा। नाम बताइए। देखिए बीबी, जब हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। हमारा एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है, उसी के थ्रू हम डेटा भिजवाते हैं। ये जो आपका आईडी कार्ड बनेगा ये उसी के थ्रू बनेगा, तो ऑलरेडी डिजाइंड है और वो वालिद या शौहर के नाम पे ही बनता है। तो आप मेरा केस अलहदा से मूव कर देना। आप केस अलग से कैसे मूव कर सकते हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, अच्छी तरह जानती। मैंने आपको बताया है ना कि वो नेटवर्क से कनेक्टेड है, इसमें ऑल्टरेशन नहीं हो सकती। तो क्या जिन बच्चों के बाप नहीं होते वो आईडी कार्ड नहीं बनवा सकते? बाप तो होते हैं, जब भी तो बच्चे पैदा होते हैं। ऐसा भी तो होता है कुछ माओं को नहीं पता होता कि उनके बच्चों का बाप कौन है। रेप केस भी तो होता है ना, और इतनी फ्रॉड की शादियां होती हैं। देखें बीबी, उन बच्चों के केस अलग होते हैं, उनके साथ अब्दुल सत्तार ईदी जैसे अजीम लोगों का नाम जुड़ा होता है। और आपका केस तो आइडेंटिफाइड है, आपके पे फॉर्म में ये देखें नाम लिखा हुआ आपके फादर का, जरा खान। बे फॉर्म मेरी माँ ने बनवाया था, आईडी कार्ड मैं खुद इसीलिए बनवा रही हूँ। इज ही योर स्टेप फादर? नहीं नहीं, ही इज माय फादर, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे आईडी कार्ड पे उनका नाम हो। चले ठीक है, ऐसा कर लेते हैं कि बाप के खाने में लिख देते हैं ताजवर गनी, जो आपकी माँ का नाम है। आपको समझ क्यों नहीं आ रही है, मुझे अपने वालिद का नाम नहीं चाहिए, वालदा का नाम चाहिए। नाम निशा ताजवर, वालदा का नाम ताजवर गनी। अच्छा ऐसा करते हैं कि आप एक एप्लीकेशन ड्रॉप कर दें और मुझे एड्रेस कर दीजिएगा, मैं अपने हाई ऑफिसर्स को भेजता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या जवाब आता है। आप पूछ लीजिएगा आके, ये लें। फिर जल गई जी, वही देख रहा हूँ। अब जरा ठीक से देख लीजिएगा, खराब हुई ना तो मैं आपको देख लूंगी। हमारे घर में पत्ते लगते हैं दरख्तों पे, पैसे नहीं कि आपको रोज तोड़ के देते रहे।
बीबी एक बात बताइए, इसमें मेरा क्या कसूर? तो हमारा क्या कसूर है जो रोज हमारे सर पे बैठ जाते हैं आके? अभी अभी वो पिछले महीने क्या ठीक करके गए थे जो आज फिर आ गए? निस्सा बेटा अंदर आओ। एक मिनट अम्मी, मुझे बात करने दे। और आपको क्या लगता है, इस घर में कोई मर्द नहीं है तो औरतों को जितना चूना लगाना है लगाते रहे? एक मिनट अम्मी, इन्हें इसी तरह बात समझ आती है। निस्सा अंदर आओ। बीबी इनसे कहिए अगर इनको लड़ना है तो बिजली वालों से जाकर बात करें, ये सब बिजली की फ्लक्चुएशन की वजह से हुआ है। मेरा अपना फ्रिज साल में 3 मरतबा खराब हो चुका है। हाँ भाई, आप तसल्ली से जरा देख लें प्लीज इसे। निसा, तुम अंदर। अब ठीक से देख लीजिएगा। निसा। तो क्या बना तुम्हारे काम का? हो गया। क्या डेट दी? यही कोई 30-40 दिन तक हो जाएगा। एक महीना? हमें इतना ही टाइम लगता है। लेकिन मैंने तुम्हें पैसे तो अर्जेंट के दिए थे। यार क्या जरूरत है पैसे वेस्ट करने की? निस्सा एडमिशन का डेट गुजर जाएगा। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अम्मी अम्मी ये क्या कर रहे हैं? देखे जरा क्या जरूरत है इसे अपनी कमीज उतारने की यहाँ पे? तो क्या हुआ, मैली हो रही होगी। खुद को साफ रखने के बहाने हमें मैला कर रहा है। क्या मतलब है? अम्मी अगर किसी ने देख लिया तो? कई सालों से हम इसी मोहल्ले में रह रहे हैं, यही पैदा हुई थी, सबको हमारा पता है। इसीलिए लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा बाप मेरी माँ को क्यों छोड़ के चला गया। काम हो गया भाई, मोटर ठीक हो गई? जी भाजी, मोटर ठीक हो गई आपकी। बहुत शुक्रिया। नहीं भाजी इसकी जरूरत नहीं है, छोटा सा तो काम था। प्लीज भाई। नहीं भाजी। तुम तो कहीं से मेरी बेटी नहीं लगती हो। और ए लेवल्स तो तुमने जैसे तैसे कर लिए, अब पता नहीं यूनिवर्सिटी में कितने साल लगाओगी। और माशाल्लाह मिजाज तो आपके इतने आला हैं कि जब आपका दाखला होगा तो आप मेरे नाम से नहीं, मैं आपके नाम से पहचानी जाऊंगी। तो क्यों करवा रही है मेरा एडमिशन आप? इस रवैये के साथ तुम्हें एडमिशन कौन देगा? पता नहीं कैसे लोगों में तुम उठने बैठने लग गई हो। अम्मी आपको तो पता है कि आपके सिवा मेरा कोई दोस्त नहीं। तो फिर इतनी तमीज सिखाने के बावजूद इतनी बदतमीज क्यों हो? बाप पे गई। वो बहुत तमीजदार है। हैं वैसे, हैं या थे? वो भी जिंदा है निसा। आपके लिए जिंदा होंगे, मेरे लिए तो वो कब के मर चुके हैं। जिंदा होते ना तो शायद मैं आज ऐसी ना होती। मतलब कि मैं किसी हिसाब में नहीं आती, मेरी तवज्जो मेरी रवायत किसी खाते में नहीं आती है। यार अम्मी घर की तमीज और तरबियत कुछ और होती है, बाहर की तमीज क्या होती है छोड़िए, आपको क्या पता है। यार कहाँ जा रही हो? निदा के घर। ये सवाल तो किसी आलम दीन या मुफ्ती से करना चाहिए, क्योंकि ना तो मेरे पास इतना इल्म है ना कोई फतवा देने का इख्तियार। हाल बता इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि हज़रत ईसा अलैह सलाम भी अपनी माँ के नाम और उनके हवाले से ही पहचाने जाते थे और पहचाने जाते हैं। और बेशतर जैयद साहबा अपनी कुनियत में अपनी माँ का ही नाम इस्तेमाल करते थे। और जब हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की
अदालत में पेश होना होगा तो हमें अपने बाप के नाम से नहीं, अपनी माँ के नाम से ही पुकारा जाएगा। माँ के नाम से, बिल्कुल। क्या हो गया तुम्हें? बचपन में तो तुम ऐसी नहीं थी, बतूनी थी, शरारती थी, लेकिन इतनी बदलिहास, इतनी बदतमीज तो ना थी? हो गई हूँ बदतमीज मैं, बल्कि हूँ बदतमीज। जब तक आपकी गोद में थी मुझे नहीं पता था कि बिना बाप के बेटियां किस तरह रहती हैं। बाहर निकली हूँ तो सोसाइटी ने मुझे यही सिखाया। मैं भी इसी सोसाइटी में रहती हूँ। तुम्हें पता है जब हमारी अलहदगी हुई थी तो मैं तकरीबन तुम्हारी जितनी थी, 4-5 साल बड़ी होंगी। अम्मी के साथ अकेली रहती थी, लेकिन मुझे कभी भी जिंदा रहने के लिए चीखने चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो दौर अलग था और ये अलग है। अम्मी, याद है आपको वो जो लड़का मुझे ए लेवल्स में तंग करता था? आपने कितने प्यार से उसके पेरेंट्स को समझाया था ना? पता है आपको, पता है कि उस सब का रिजल्ट क्या निकला? वो और बदतमीज हो गया और शरीर हो गया। पहले तो रोड के उस पार चलता था ना, फिर मेरे साथ चलने लगा। और स्कूल के आखिरी दिन मुझे उस पर इतना गुस्सा आया कि मैंने उसे धक्का दिया और वो रोड के उस पार जाके गिरा। फिर मैंने उसे इतना मारा कि वो मुझसे डर के भागने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं उससे डरती थी, छुपती थी। तब जाके मुझे एहसास हुआ कि लड़कियों का इस दुनिया में रहने का यही तरीका। आपको पता है, मैं सोचती थी कि अगर मेरा बाप होता ना तो शायद इसकी हिम्मत ही ना पड़ती ऐसा करने की। अगर मेरा बाप होता तो कैसे इसका गिरेबान पकड़ के इसे जमीन पर पटकता। लेकिन जब ये सब कुछ मुझे खुद करना पड़ा तो मैंने उसकी महरूमी और अपनी ख्वाहिशात को अपने दिल से ही निकाल दी। बेटा, उनके साथ भी होता है जिनके बाप होते हैं। उफ अम्मी, अम्मी प्लीज, मुझे आप बहुत बुरी लगती है जब आप उनकी साइड लेती हैं। मैं उनकी साइड नहीं ले रही, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। और आइंदा तुम्हारे साथ ऐसा होना तो बिल्कुल यही करना। हर वक्त गुस्सा अच्छा नहीं लगता। संजीदगी, रख रखाव, डिसेंसी, रीजनिंग, यही इंसान की ताकत है, यही इंसान को अलग करता है एक हैवान से। ये सारी किताबी बातें, शहर की दीवारों पे क्या लिखा है कभी पढ़ा है आपने? हमारी शख्सियत के अक्सर वो पहलू जो हम लोगों से
पोशीदा समझते हैं या पोशीदा रखने की कोशिश करते हैं वो लोगों के लिए मौजूए बहस बने होते हैं, और वो पहलू जो हम आया समझते हैं या आया रखने की कोशिश करते हैं लोग बेशतर उन्हीं से गाफिल और बेनियाज रहते हैं। तो शुरू करें हमारी शख्सियत। अस्सलाम वालेकुम मंजूर साहब। वालेकुम सलाम, तशरीफ रखिए। आपसे एक फेवर चाहिए थी। जी जी बोलिए प्लीज। वो मेरी बेटी की CNIC में कोई प्रॉब्लम हो रही है, 7-10 दिन ऊपर हो जाएंगे। CNIC के बगैर तो मुश्किल हो जाएगी, और इसका प्रोसीजर जो है इनकम्प्लीट समझा जाएगा। जी इसलिए तो फेवर मांग रही हूँ आपसे। मगर हमारे पास अभी गुंजाइश तो नहीं है, आपकी खातिर हम 7-10 दिन तो ऊपर नीचे कर लेंगे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं कर सकते। नहीं नहीं, तब तक तो हो ही जाएगा। ठीक, थैंक यू। इम्पॉसिबल, मैंने आपसे कहा था कि मुमकिन ही नहीं। दिखाएं तो सही मुझे, क्या रिप्लाई किया उन लोगों ने? मैं अगर आपसे सच बताऊं, उसका कोई रिप्लाई कर ही नहीं सकता। आप खाम खाम में टाइम वेस्ट कर। देखें, देखें, मेरे पास और बहुत सी जस्टिफिकेशंस हैं। मैं उन्हें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो क्लेम कर सकती हूँ ना। तो फिर आप यहाँ टाइम वेस्ट मत करें। यहाँ पर तो जो रूल बन गए सो बन गए, उसे कोई ऑफिसर चेंज नहीं कर सकता। मेरा तो आप एक मशवरा है, आप कोर्ट चलिए। अगर वहां से कोई ऑर्डर आ गया तो किसी का बाप भी इंकार नहीं करेगा। भाई कोर्ट में जज्बात नहीं चलते हैं। कोर्ट एविडेंस देखता है, दलाइल सुनता है। क्या काम करता है आपको मालूम है? विटनेसेस। यार ये हुलिया क्या बनाया है? आपका सूट किधर है? अभी मुझे किसी को कोर्ट भेजना पड़ गया, मैं आपको भेजूंगा या इनाम को। आई एम सॉरी सर। सॉरी सर, आपको पता है आपकी जनरेशन का प्रॉब्लम क्या है? आप लोग फिल्में देख के वकील बनने निकल खड़े होते हैं, करते क्या है कोर्ट का टाइम बर्बाद, अपनी एनर्जी वेस्ट और मुवक्किल के पैसे बर्बाद। अगर आप वाकई सीरियस हैं ना ये काम करने के लिए, सिर्फ एक काम कर लीजिए भाई, इमोशंस को कर दीजिए साइड में, दैट्स द काम। यही तो कह रहा हूँ मैं सर। देखिए जो केस मैं लड़ रहा हूँ वो इमोशनल ग्राउंड पर बेस है। एक औरत से उसका बच्चा अलग कर दिया गया, जाहिर है इमोशनल ग्राउंड पर बात होगी ना। इधर दीजिए आप फाइल, इधर दीजिए इसको, देखिए ये वाला केस स्टडी कीजिए अच्छी तरह और मुझे उसकी रिपोर्ट करें। नाम जी फरमाइए। मेरा नाम निशा है, निशा ताजवर। मेरा केस जरा डिफरेंट है तो मुझे आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए होगी। बीबी जी वकील होते ना, इनके कान भी बहुत तेज होते हैं और आंखें भी। वो मैंने अपने शनाख्ती कार्ड पे वल्दियत चेंज करवानी है। नो, इसके लिए शायद आप गलत जगह आ गई। देखें आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं? मेरी बात जरा गौर से सुन सकते हैं? जी कही। सर मैं चाहती हूँ कि मेरे शनाख्ती कार्ड में वल्दियत के खाने में मेरी माँ का नाम हो, ताकि मेरी शनाख्त मेरी माँ के नाम से हो, मेरे बाप के नाम से नहीं। वजह साहब
आगे आपका जज्बाती केस। देखिए सर, मैं बचपन से लेके आज तक अपने वालिद से नहीं मिली, बल्कि उन्होंने तो खुद ही मुझे डिसओन किया हुआ। हमारा सिर्फ एक बायोलॉजिकल रिश्ता है, इसके अलावा कोई सोशल इमोशनल ताल्लुक नहीं है उनसे। मेरी माँ ने ही मेरा ब्रॉटअप किया, एक बाप बनके भी और एक माँ बनकर भी। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि आपकी पैदाइश से पहले आपके पेरेंट्स में तलाक हो चुका? नहीं, उनकी तलाक नहीं हुई, बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा हुआ है। उन्होंने तो तलाक देने की जहमत ही नहीं की, बस ऐसे ही मुंह फेर लिया। अब आप मुझे खुद ही बताएं कि मैं ऐसे शख्स के साथ अपना नाम कैसे चिपका सकती हूँ। आज तक आपके नाम के साथ किसका नाम चिपका हुआ? आपके बे फॉर्म, आपके स्कूल सर्टिफिकेट्स, हर चीज में किसका नाम लगा हुआ? बाप का। तो देखिए, वो सब कुछ तो मेरी अम्मी ने करवाया था ना। अब मैं इंडिपेंडेंट हो गई हूँ, मैं अपने काम इसीलिए खुद करवा रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए अपने बाप का नाम। आप कहें तो मैं आपको एक मशवरा दूँ। जी। क्या कोर्ट कचहरियों के चक्कर में पड़ी हैं, सीधा सीधा जाके शादी कर लें, हैं? कैसा आइडिया है? अच्छा है ना? नाम लग गया ऑटोमेटिकली शोहर का नाम लग गया, हैं? बीवी, मसला ये है, ये कोर्ट का केस ही नहीं है, ये एक पार्लियामेंट का इशू है। शुजा साहब, वो हाउसिंग वाली जरा फाइल निकलवा के लाइए। इनाम किधर है, आज नजर क्यों नहीं आ रहा? इनाम सर, मैं फाइल लेके आया। मेरी माँ यूनिवर्सिटी की सबसे हसीन और ज़हीन लड़की थी, नखरे वखरे वाली नहीं थी बिल्कुल भी, बल्कि वो तो सबके दरमियान में आलती पालती मार कर बैठ जाने वाली स्टूडेंट लीडर थी। और ज़र्द खान, जो दूसरे अमीरजादों की तरह शौकिया तालीम हासिल करने वहाँ आए थे, अपने ख़ानदान का पूरा गरूर तकब्बुर साथ लेके, ये मिडिल क्लास स्टूडेंट से दूर ही रहते थे। शायद इन्होंने वैसे कभी नहीं मिलना था अगर उस दिन यूनिवर्सिटी में वो लड़ाई ना होती, दो स्टूडेंट्स का आपस में फड्डा हुआ और ज़र्द खान को हीरो बनने का मौका मिला।
ताजर भी तो फिर एक औरत जात थी ना। एक जवान हसीन अमीरजादे को अपने सामने झुकता देखकर उसकी भी मत मारी गई। पता है ये जितनी भी मिडिल क्लास लड़कियां होती है ना, ये कितनी भी प्रैक्टिकल कितनी भी मैच्योर हो जाए, ये जो ख्वाबों का शहजादा होता है ना, ये इनके दिमाग से नहीं निकलता। पता नहीं क्यों। शहजादी तो आप हैं, हर वक्त अपने परस्तारों के झुरबुट में घिरी रहती हैं, निगाह उठाकर भी नहीं देखती। कहीं दूर कोई आपके लिए आंखें बिछाए खड़ा है। फिर खामोश मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगी। फाइनल ईयर तक तो ये हाल हो गया था कि जैसे एक दूसरे के बगैर वो सांस लेने में मुश्किल नहीं होती। वो पागल। सो जर्क खान ने अपना महल छोड़ दिया और ताजवर के कॉमरेड बाप ने उसे छोड़ दिया, दोस्तों के चंदे पर निकाह करवाया और उन्हीं के खर्चे पर रहने लगे। 6 महीने, सिर्फ 6 महीने, 6 महीने में जर्क खान की मोहब्बत धस जाकर गिर गई। आखिर एक महल का शहजादा छोटी सी कुटिया में कितनी देर तक रह सकता था। बहाना भी अच्छा मिल गया था उसे, तो बाप मर गया था ना, अकलौता बेटा था, और फिर ताज भी तो संभालना था ना उसे। ताजवर जो सबसे लड़के आई थी वो कैसे तख्त पे बैठ जाती। बस तो फिर क्या, जर्क खान अपने महल में और ताजवर अपनी क्लास में। देखो मुझे क्या मिला। क्या ढूंढ रही हैं इसमें आप, जिसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आ गए? आप ही की स्टोरी सुना रही थी किसी को। किसको? कोई था। अम्मी आपको तो पता है कि आपके सिवा मेरी जिंदगी में कोई नहीं, और अगर कोई आएगा भी तो आपसे मिले बगैर नहीं आएगा। तो फिर कब मिलवा रही हूँ? क्यों, आप भी मुझसे जान छुड़वाना चाह रही हैं? अपनी जान से कौन जान छुड़वाना चाहता है। क्या कर रहे हो ये तुम सब? क्या सर? अगर कैरियर के स्टार्ट पर तुम ऐसे केसेस लोगे तो क्या बनेगा तुम्हारा? सर अल्लाह मालिक है। मैं तो कहता हूं ड्रॉप कर दो ये सब, तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा। सर प्लीज। ओ भाई
ये मेंटेनेबल नहीं है, कोई जज इसे लेने के लिए तैयार नहीं होगा, वापस हो जाएगा। सर आप तो भिजवा दें। देखो बेटा अच्छे तरीके से सोच लो, बहुत नुकसान उठाओगे, केस जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि मैं तो कहता हूं कि पहली हेयरिंग पर तुम जलील हो जाओगे। सर देखा जाएगा। और यार तुम उस लड़की के बाप को नहीं जानते, वो क्या कुछ नहीं कर सकता। सर जानता हूं, बल्कि बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। बेटा तुम जर खान की पगड़ी पर हाथ डाल ले, अपना ख्याल रखना। उमर का भरोसा क्या, पल का साथ हो जाए, एक बार अकेले में उससे बात हो जाए। ऐसा क्यों कि जाने से सिर्फ एक इंसान के सारी जिंदगानी बेसबात हो जाए। सब चराग गुल करके उसका हाथ थामा था, क्या कसूर उसका जोबन में रात हो जाए। परवीन शाकिर, अपने इंतकाल से कुछ दिन पहले ही हमारी यूनिवर्सिटी आई थी, जाते हुए उन्होंने मुझे अपनी खूबसूरती का राज बताया। कहने लगी कि जो लोग गम को औलाद की तरह सीने से लगा कर रखते हैं वो खूबसूरत नजर आते हैं। कितनी प्यारी बात है, अमेजिंग। मैडम कोर्ट से समन आया आपके लिए। मेरे लिए? जी। किसने भेजा? पता नहीं मैडम। मैडम जरा इधर साइन कर दीजिए। थैंक यू जी। Okay, girls. I'll see you tomorrow. That is. खान जी, सिर्फ इस इलाके को नहीं बल्कि इस मुल्क को भी आप जैसी शख्सियत की जरूरत है। जी खान जी, मैं भी रोजी खान और गुलजमान की तायद करता हूँ। खान साहब, आपके दर से हमें बड़ा मोहब्बत और प्यार मिलता है। इस मोहब्बत और प्यार की वजह से हमने उन खुद गर्जों को अपने सर पर बिठा रखा है जो ना अकल के पक्के हैं, ना कौल के पक्के, ना किरदार के पक्के हैं। खान साहब, हमें इन बेकिरदार लोगों के रहमो करम पर ना छोड़े। पर ये जितने भी जिरगाए आपसे दरख्वास्त करता है कि इस बार आप इलेक्शन पर खड़े हो जाएं। बस एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।